नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि विपक्षी कह रहे हैं कि नए कृषि कानून से किसान की जमीन चली जाएगी। अगर किसान की एक इंच भी जमीन गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। जो भी किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं उनसे केंद्र सरकार आधी रात को भी बात करने को तैयार है। अगर कानून में किसी भी नेता को किसी भी क्लॉज पर आपत्ति है तो उस पर विस्तार से चर्चा होगी और वह समाधान लायक होगा तो उसका समाधान भी किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर टोंक जिले के लोगों के लिए राहत की खबर है। गुरुवार को जिले के लिए 24,500 वैक्सीन मिली है और 10,000 वैक्सीन रात तक आएंगी। यह वैक्सीन 18 प्लस से लेकर 45 प्लस के लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। खास बात यह है कि जिले में पहली बार टोंक शहर के भीड़भाड़ वाले सेंटर्स पर लोगों को सुविधा के देखते हुए पहली बार टोकन सिस्टम से वैक्सीनेशन होगा। सीकर में बीते दिनों शाम होते ही मौसम का मिजाज पलटने से कई इलाकों में हल्की बारिश होने का सिलसिला चल रहा है। कुछ इलाकों में हवा ही चलती है। मौसम विभाग का कहना है कि दो दिन बाद बारिश पर ब्रेक लगने की संभावना है, लेकिन धूल भरी आंधी चलेगी। इस बीच गुरुवार शाम को सीकर में भी हवा के साथ हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिलों में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में आने वाले दो दिनों में जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हुई है पर तीसरी लहर का खतरा अब भी बरकरार है। इसके बावजूद सरकार पंचायत चुनावों की कवायद में जुट गई है। जयपुर में गुरुवार को जिला परिषद के सभी 51 वार्डों के अलावा पंचायत समिति बस्सी के 27 और पावटा के 23 वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर की मौजूदगी में निकाली गई इस लॉटरी में जिला परिषद में 13, बस्सी पंचायत समिति में 7 और पावटा पंचायत समिति में 6 वार्ड सामान्य रहे हैं। इन वार्डों में किसी भी वर्ग का व्यक्ति उम्मीदवारी पेश कर सकता है। दौसा जिले में कोरोना महामारी पर कंट्रोल करने में टीम दौसा की मेहनत रंग लाई है। कलेक्टर पीयूष समारिया व एसपी अनिल बेनीवाल के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस व चिकित्सा विभाग द्वारा बेहतर समन्वय से किए गए कार्य के परिणाम अब सामने आने लगे हैं कि कोरोना के नए पॉजिटिव का आंकड़ा शून्य पर आ गया है। गुजरात में बहने वाली नर्मदा नदी का नीर बाड़मेर के सरहदी इलाके रामसर तक पहुंच गया है। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार नर्मदा का मीठा पानी रामसर के जलाशय तक पहुंचा। सूखे, पानी की कमी और अकाल की वजह से देश भर में पहचाने जाने वाले बाड़मेर के सरहदी गांव रामसर में नर्मदा का पहुंचने को राज्य सरकार के राजस्व मंत्री ने ऐतिहासिक पल बताया है। बीकानेर शहर के मुख्य बाजारों और मार्गों पर बड़ी संख्या में खड़े रहने वाले दुपहिया वाहनों से दिन में कई बार यातायात जाम हो रहा है। भीषण गर्मी में लोग यातायात जाम के दौरान परेशान होते रहते हैं। मुख्य मार्गों, बाजारों, मार्केट आदि में वाहनों के पार्किंग की पुख्ता सुविधा नहीं होने से दुपहिया वाहन दुकानों के आगे सड़कों पर ही खड़े रहते हैं। इससे कई फुट चौड़ी सड़कें संकरी होकर महज कुछ फुट तक ही रह पाती हैं। इससे बार बार जाम की स्थिति बनी रहती है। पुलिस से बचने के लिए कुछ बदमाशों ने गुरुवार को जोधपुर शहर में अपनी कार को दौड़ा दिया। इससे एक महिला भी घायल हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ लिया। वहीं उनका एक अन्य साथी फरार होने में सफल हो गया। उनकी तलाशी की जा रही है। इसमें से एक के पास पिस्टल भी बरामद की गई है। जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम की तबीयत पूरी तरह से ठीक है। पोस्ट कोविड दिक्कतों के बाद जोधपुर एम्स में भर्ती आसाराम को वापस जेल भेज दिया गया है। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच एम्स से जेल ले जाया गया। जोधपुर के प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने गुरुवार को जोधपुर के मथुरा दास बातुर अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए। उनके साथ जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह भी थे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को जोधपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा संभाग मीडिया प्रभारी जगदीश धानंदिया ने बताया कि मोर्चा ने अल्पसंख्यकों के विकास की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन आंगिक श्री कन्नीराम सालगराम टाक सैटेलाइट एवं नर्सिंग स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र मगरा पूंजला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को कोविड-19 की महामारी से बचाव हेतु चल रहा आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण शिविर गुरुवार को संपन्न हो गया।
राजस्व उपनिवेशन मंत्री हरीश चौधरी ने गुरुवार को जोधपुर के गांव रामसर का दौरा किया। मंत्री हरीश चौधरी ने शिव विधायक अमीन खान, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी व जिला कलेक्टर लोक बंधु के साथ नर्मदा नहर योजना का पानी रामसर पहुंचने पर यहां बने वाटर स्टोरेज व अन्य जल स्रोतों का अवलोकन किया। कोटा नगर निगम की टीम ने गुरुवार को बारा रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए महालक्ष्मीपुरम वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस को सीज किया है। निगम ने यह कार्रवाई बिल्डिंग में फायर उपकरणों की कमी व फायर एनओसी नहीं लेने के कारण की है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जलज घसिया की अगुवाई में जैसे ही निगम की टीम मौके पर पहुंची, लोगों में हड़कंप मच गया। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने निगम की टीम को दस्तावेज दिखाए। दस्तावेज अधूरे होने पर सोसाइटी के ऑफिस के 6 कमरों को सीज किया गया। टोंक जिले में बिजली चोरी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए बिजली निगम ने सख्त रवैया अपनाया है। बिजली निगम के एसी जेके मिश्रा के निर्देश पर गठित 4 टीमों ने कार्रवाई करते हुए 85 जनों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। साथ ही इन पर करीब 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मचा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।